आज अपन वीडियो चालू करेंगे मॉन्स्टर एनर्जी के साथ। नॉट दैट कि ये स्पॉन्सर्ड है। आज का तुम लोग ने थंबनेल देख लिया, टाइटल देख लिया, मेरे को पता है मेरे से ज्यादा तुम लोग एक्साइटेड हो ये वीडियो देखने के लिए। आई नो, आई एम श्योर बहुत लोगों को लगा रहेगा ऐसा कि भाई वीडियो क्यों नहीं बना, अब तक रिएक्शन वीडियो क्यों नहीं बना, तुम्हारा भाई बिजी था, तुम्हारे भाई का IKFR है, यू गाइस नो है कि नहीं। तो मुझे उसमें काम करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। आई मीन प्रायोरिटीज सेट होना चाहिए, सबसे नीचे वाला प्रायोरिटीज में से एक था कि हाँ टाइम मिला तो बनाऊंगा, है ना। क्योंकि मतलब मेरे को अभी टू बी ऑनेस्ट वेरी फ्रेंकली ऐसा लगता है कि इनके डांस वीडियोस पे रिएक्ट करना इज मतलब मेरा कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं होता इसमें, समझ में आ रहा है ना। मेरे को फॉलोअर्स मिलते हैं, व्यूज उनके वीडियोस को मेरे वजह से ज्यादा मिलते हैं, है ना। ना उनका ऑडियंस मेरे पास आता है, मतलब तुम समझ रहे हो, उनसे कोई ऑडियंस मेरे को आता नहीं है, क्योंकि उनके पास ही अलग सा एक 50 लोगों का ऑडियंस है, जो लोग के पास अलग अलग 3 लोगों का ऑडियंस है, तो वैसा नेटवर्क करके उनका ऑडियंस बिल्ड हो गया। वो लोग को मैं कुछ भी बोलूं वो लोग गधे जैसे, उनको कुछ समझता है नहीं। जो भी है जैसा भी है, सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को पता था सारे कैसे से बढ़िया कुछ सजे में, मेरे को पता था सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा है ना। खाली इतना ही है, मेरा गर्दन पे मेरे को थोड़ा सा स्प्रेन आ गया, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर कम देख पाऊंगा, बट फायदा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन फायदा नहीं करा के, फायदा कराने से पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मेरे बालों का राज क्या है। मैं अभी कुछ टाइम से एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ मामा अर्थ का, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है। तो ये वो मामा अर्थ का हेना रेंज का ऑयल शैम्पू और कंडीशनर है जो मैं पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम फुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल होते हैं। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लीव योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पीशीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। इस प्रोडक्ट में हेना डीप रोस्ट कॉफी, इंडिगो ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हेना इट हेल्प्स यू प्रिवेंट प्रीमेच्योर ग्रेइंग एंड हेल्प्स नरिश योर हेयर। डीप रोस्ट कॉफी जो है वो हेल्प करता है तुम्हारे बालों का टेक्सचर एनहांस करने में, लीविंग देम स्मूदर एंड सॉफ्टर। इंडिगो ऑयल हेल्प करता है प्रिवेंट करने में प्रीमेच्योर ग्रेइंग एंड ऑल्सो कंडीशन करने में हेल्प करता है, जो तुम्हारे बालों को और ज्यादा मैनेजेबल बना देता है। कोकोनट ऑयल जो है वो मॉइस्चराइज करता है तुम्हारे हेयर को और तुम्हारे हेयर ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में भी हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक विन विन वाला ऑप्शन है कि नहीं। तुम लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो जो यहाँ पर आ गया है कि नहीं। ये कोड यूज करके लोगों को मामा अर्थ के वेबसाइट से 20% ऑफ मिलेगा। बाकी ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मामा अर्थ, अमेजोन, नाइका और पर्पल पे। मामा अर्थ ने एक अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसको अगर तुम लोग डाउनलोड करते हो तो यूजर्स को अर्ली एक्सेस मिलता है सारे डिस्काउंट्स पे, है कि नहीं। सारा चीज जितना भी तुम लोगों को चाहिए वो सारा चीज अपने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेंशन लेने का बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो, मजे करो, अपने बालों का ख्याल रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बालों का ख्याल रखना मेरे भाइयों, है कि नहीं। अभी आई थिंक वी शुड गेट बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। अपना अपना और तुम्हारे फायदे का काम हो गया। तो मेरे को है ना बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई आपको रिएक्ट करना चाहिए, आपने नया वीडियो देखा गया, नया वीडियो देखा गया, नया बट मैंने नहीं देखा था, मैंने अभी रिसेंटली रात को देखा। हाँ, तो वो कल में ही काउंट होता है, तो मैंने तभी देखा। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को वापस से वही फीलिंग आया कि मतलब वर्थ नहीं है मेरा इनके वीडियोस पे रिएक्ट करना, क्योंकि जेन्युइनली कोई ग्रोथ नहीं है मेरा। मैं सेम चीज बड़बड़ कर करके अब लोगों को ऐसा लगने लगा इसको तो पर्सनल दुश्मनी है, जो कि सही है। और अभी एक ऐसा हो गया है ना कि अगर मैं रिएक्ट ना करूं तो उनके साइड से लोगों को ऐसा लगा कि ओ भाई क्या वीडियो बना रहा है, बोलती बंद कर दिए लिए ना अपने हेक्टिक की। ऐसा बात नहीं होता, हेक्टिक का बोलते कोई बंद नहीं कर सकता, स्पेशली तुम लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तुम्हारे खून में ही नहीं है वो चीज, समझ में आया तुम्हें। मैं अभी मेरा सिचुएशन बताता हूँ कि मैं अभी एक ये सिचुएशन में फंस गया, समझ में आ रहा है कि कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार, मेरे को निकालो कोई इससे बाहर। अभी इन फ्यूचर मैं तभी रिएक्ट करूंगा जब मेरे को फन करने का रहेगा, ऐसा हर इस पे करके है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इनको ही प्रमोट कर रहा हूँ और गंदे प्रोडक्ट्स को तुम्हारा भाई कभी प्रमोट नहीं करता, मानता ही नहीं। तो वीडियो को अपन डिवाइड करते 3 चीज में। सबसे पहले मैं रिएक्ट करूंगा, उसके बाद टेक्निकलिटीज जितने भी है उसके बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट में हम थोड़ा सा फन करेंगे, मेरे फेवरेट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अपन चालू करते हैं रिएक्शन। ये जो भी चीज है अभी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो फेयर यूज के अंडर यूज कर रहा है ना, तो इनका जो लॉयर है ये लोग मेरे पे केस नहीं कर सकते ना मेरा वीडियो उड़ा सकते हैं। और लॉयर कैसे, लॉयर को हायर कैसे करेंगे, लॉयर ने खुद ने मेरा आर्टिस्ट चुराया है IKF का, कैसे करेंगे तुम लोग।
मुंह सुखा दिया भाई मेरा। कम ऑन मेरे को ये ऐसा लग रहा है या तुमको भी ऐसा लग रहा है, टाइटल में मेंशन किया गया है डांस फिल्म, डांस तो दिखा नहीं, मतलब या मेरे को नहीं दिखा, ये अलग से चश्मा आएगा, मूवीज में मिलता है मालूम है 3D चश्मा, कि वो पहन के तुमको इफेक्ट दिखेगा। सही, इफेक्ट के नाम पे करने का था तो मेंशन करना चाहिए था ना स्क्रीन के स्टार्ट में कि चश्मा पहन के देखो तो डांस दिखेगा। अभिषेक दास से एक हाथ जोड़ के विनती है कि 10 साल हो गए, मैं क्रू को साथ में नाचता हुआ देखना चाहता हूँ, भगवान के लिए, भगवान के लिए। मतलब ये चीज तो ये बंदे ने ऐसा कर दिया जैसा सलमान शाहरुख को हम एक साथ एक स्क्रीन पे देखने के लिए तरस रहे, वैसे सारे क्रू वालों को देखने के लिए। मतलब मैं मानता हूँ कि पूरे इंडिया में इनसे बिजी कोई है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, काम कर रहे तो खाली ये लोग ही कर रहे हैं यार, तुम लोगों को पता नहीं, बट मैं तुम लोग से एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। ये जो अपना इंडिया चलता है ना, किसके वजह से चलता है, ये जो लोग वीडियो में नहीं दिखते उनके वजह से। ये जितने भी अपन पार्टी देखते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये जितना भी पार्टी है उन चलाते हैं उनको बैक हैंड पे, हाँ ये लोग है, समझा, याद रखना ये सीक्रेट है, गपचुप किसी को बोलने का नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं कि आफ्टर क्रेडिट्स में लोग हक करते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मूवी बनाया है ये लोग ने, है ना, मूवी बनाने का ट्राई किया। क्या किया, पुष्पा का जो पूरा ये था, अपन ने सोचा कि पूरा मूवी 4 मिनट में बनाए, लोग डेढ़ डेढ़ घंटा दो दो घंटा लेते, अपन 4 मिनट में करेंगे, क्या बोलते अपन सरस, अपन टेंशन लोग का आड़ा ही चल, क्यों अपन सीधा नहीं चलते, अपन टक टुक टक टुक करके चलते ना, वैसा होता है। मैं मानता हूँ तो आफ्टर क्रेडिट्स में तो मेरे को लोग दिखने चाहिए कि फन कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, या रात हो गया, लोकेशन का परमिट खाली 1 घंटे के लिए मिला था। डांस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे वीडियो में डांस मेरे को हार्डली 64 काउंट्स का दिखा है। मतलब एक काम करता हूँ, नेक्स्ट शोकेस में जिधर भी जाता हूँ ना उधर भागता हूँ, झूल के लटकता हूँ, भागता हूँ, यही गाना लगा के मेरे को भी इतना ही अप्रिसिएशन चाहिए। हंस सकता है तुम जोर से, क्या हो गया। सही तो बात है यार, मतलब तुम मेरे को एक बात बता, देखो मैं तुम लोगों को बता तो 4 मिनट का पूरा वीडियो है, ठीक है, उसमें से लास्ट का 1 मिनट में वो लोग ने क्रेडिट ही दिया, तो 4 मिनट नहीं गिनते, स्टार्ट का 15 से 20 सेकंड लोगो आ रहा है उनका, एकदम फेमस फैमिली है, ठीक है, ऐसा मेरे को मुंह पे लोगो दिखा रहा, हाँ समझ गया मैं तुम्हारा एक लोगो आगे, हाँ मैं समझ गया आगे। उसके बाद फर्स्ट लड़की पड़ी हुई है ऐसी, उसको इधर कुछ तो भी दांत खुजली हुआ है, वो आके चिल्लाया, ठीक है, स्टार्ट का 1 मिनट जितना मेरे को पूरा इसमें ही गया इंट्रो में, दूसरा मिनट वो लोग भागे, दूसरा 1 मिनट लगा पोजीशन पे आने को, 9 सेकंड के लिए नाचे, फिर भग गए, फिर 1 मिनट घूम के आके एक पोजीशन पे, फिर किया वो लोग ने, बोले भगवान नाचे क्यों नहीं रे, भागना ही था तो पहले बताते, रेस कोर्स बुक कर लेते, भागना ही था तो भाग मिल्का भाग पे बना लेते वीडियो, उनको ट्रिब्यूट दे देते। लास्ट में आते आते खत्म। तो देखो मैं मजाक कर रहा है, मेरा जॉब है ऑन यूट्यूब एंटरटेन करना और साथ एडुकेट करना लोगों को, है कि नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे से कुछ गलती हुआ, बीच का एक पार्ट भूल गया, झाड़ के पास सब लोग स्लो मोशन में ये कर रहे थे जो मैं स्कूल में करता था, है ना, इतना अच्छा म्यूजिक का सेक्शन मस्त निकाले, लाइट स्लो मोशन लड़की, तो डांस फिल्म काहे बोले हो हमका ये बताओ। मेरे हिसाब से मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैं क्या रेफर करता हूँ डांस फिल्म को। सबसे पहला अपन इंडिया की बात करते हैं, इकलौता अगर कोई डांस फिल्म किसी ने दिखाने का एकदम सक्सेसफुली ये किया है तो वो है किंग्स यूनाइटेड। वो लोग ने डांस प्लस में या कोई तो भी एक डांस प्लस के कोई तो भी इसमें एपिसोड में बाहुबली वाला एक्ट बताया था डांस, पूरा मूवी वो लोग ने एक इसमें बता। इसमें ना तो मेरे को पुष्पा दिखा, ना तो मेरे को RRR दिखा, KGF दिख गया भाई, मैं मूवी देखू कौन सा वो मेरे को बताओ, तो मैं देखता हूँ, ठीक है। दूसरा अगर तुमको डांस फिल्म इंटरनेशनल देखना है कि कैसे होते वीडियो टाइप, अभी किंग्स यूनाइटेड ने जो किया वो लाइव स्टेज पे था, मतलब लाइव स्टेज पे कोई लोकेशन नहीं, जंगल बुंगल कोई नहीं, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, कोई असिस्टेंट एसोसिएट ऐसा कुछ नहीं था उनके इसमें, ठीक है, बट फिर भी सामने जो किया डांस फिल्म, इनके इसमें असिस्टेंट एसोसिएट मेन कोरियोग्राफर ने कोरियोग्राफी कहा किया, अभिषेक दास इन कोरियोग्राफर की इससे आया, और एक बार चेक करते असोसिएट असिस्टेंट कौन है। अच्छा डायरेक्शन टीम कॉन्सेप्ट, अच्छा उसमें भी अलग अलग चीजें भाई, रुको मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट अभिषेक दास, पृथ्वीनाथ, तनुजम नायर, फिर डायरेक्टर एंड आर्ट
आर्ट डायरेक्टर, बाबा बाबा, पृथ्वीनाथ पी असिस्टेंट डायरेक्टर, दीपिका रूस। तो किया किसने फाइनली, आइडिया किसका था, ये तो ऐसा बताया कि आठ जेंट्स हुए थे पुष्पा करके ऐसे उठे ले सारे। हाँ? है किसका मेन कौन है? नाम आयला है पृथ्वी का नाम है। अच्छा बताओ ना पृथ्वी का है तो इतने लोगों का नाम किस लिए मेंशन किया है? हमें हाँ मतलब पृथ्वी ने बोला भागेगा, पीछे से चार लोगों ने बोला हाँ भागेगा, ये मतलब वो असिस्टेंट डायरेक्टर कोरियोग्राफी जो भी तुम लोग ने एक ये फलाना ढिमकाना किया उसका तो मेरे को बताओ। दूसरा बात आता है कोरियोग्राफी, एक बार अभिषेक दास का हम लोग डांसिंग देख लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये इंसान मैंने सालों में इसको ऐसा नाचते हुए नहीं देखा, कैसा कोरियोग्राफी किया इसने, ये क्या किया, लोगों को येड़ा नहीं बनाने का चल दिया वो टाइम कौन था, मैं निकल गया मतलब चल दिया वो टाइम, समझा। दूसरा अभी कोरियोग्राफी टीम पे डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी का भी डायरेक्टर है DOC डॉक, स्टेथोस्कोप लगाया था क्या भाई ने, अभिषेक दास मतलब इन शॉर्ट डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि अभिषेक दास खाली हाथ पीछे करके देखा होगा, मुंह इधर करके नाचो मुंह उधर करके नाचो ये काम, उसके लिए पूरा कोरियोग्राफी क्रेडिट्स लेके एसोसिएट कोरियोग्राफर, अपन ने तो खाली असिस्टेंट तक ही पढ़ाई किया, एसोसिएट कहाँ से होता है, एसोसिएट मतलब जो ऐसा हाथ पकड़ के दूसरा खड़ा था वो कौन, लालू माइकल, असिस्टेंट कोरियोग्राफर अलग, हे भगवान। मिथिल खुशी ध्वनि मनीष यश अमन हर्ष ठीक, इतना भी कोरियोग्राफी दिख रहा है मतलब मेजर जो मेरे को ऐसा दिखने में आया वो थोड़ा थोड़ा क्रम का आना बाना तगड़क मगड़म दिख रहा है, अभी वो जगह पर क्रम का अंडा कौन डाले ला है, मैं अभी क्रम का अंडा कौन नाच रहा है देखा नहीं, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाओ दिखेगा, दिखा नहीं तो लाइव ही देखना पड़ेगा जाके। कोरियोग्राफी के हिसाब से मतलब जितना स्टेपिंग वेपिंग किया ला है जो भी चीज किया ला है उसके हिसाब से तो अभिषेक दास को एसोसिएट असिस्टेंट अभिषेक दास को, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब हाँ चेंजेस बता रहे, मिरर बोलना चाहिए था अभिषेक दास को कि मिरर हूँ मैं, आईना आईना कभी झूठ नहीं बोलता वैसा बात। पिछले गाइस कोरियोग्राफी तो था ही नहीं तो डांस फिल्म ये हम हटा देते, बात करते अब हम डांसर्स के बारे में जिनको मैं जानता नहीं हूँ, मतलब दो लड़कियों को जानता हूँ बट ऐसा फेस देख के मैं जान रहा हूँ नाम याद नहीं आ रहा है। सब लोगों ने एक होप के साथ इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया जो था कि हम लोग को दिखने मिलेगा मतलब हमारा काम पढ़ाया जाएगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें कहीं पर भी पूरे डांसर्स दिख ही नहीं रहे, लेकिन मेरे हिसाब से 3,500 लोग नाच रहे इसमें, नाच रहे ठीक है, जब डांस फिल्म बोला है तो मतलब डांस फिल्म होगा, पीछे देखो झाड़ पे सर्कल करके मैं बताऊंगा उधर किधर तो भी नाच रहे, तुमने देखा नहीं, मैंने देखा क्यों, क्योंकि मैं गोस्ट कॉटन कैमरा वीडियोस बहुत टाइम से देख रहा हूँ, देखो पता है परख है मेरे को। डांसर्स के लिए थोड़ा सा सैड है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टाइलिस्ट है वो काफी अच्छी डांसर है बट उसको वीडियो में एज अ प्रिटी फेस यूज किया, वो भी उसको नचाया नहीं वो टाइम पे, है कि ना, डांस फिल्म है ना उसको एज अ प्रिटी फेस यूज किया जो बी वेरी ऑनेस्ट एज एन व्यूअर मेरे को बुरा लगता है बाकी क्रू के लड़कियों के लिए क्योंकि शायद से वो लोग वर्थ नहीं है वहां पर रिप्रेजेंट करने का, समझ में, क्योंकि स्टाइलिस्ट क्रू की नहीं जितना मेरे को पता है, या मतलब ऐसा हो सकता है दूर के रिश्तेदार होंगे बट जो भी है फेमस फैमिली का वीडियो था तो मेरे को ऐसा लगता है कि फेमस फैमिली की लड़कियों को स्पॉटलाइट मिलना चाहिए था, भले ही वो खड़े रह के हाथ ही तो हिलाना था ना और कुछ करना था, वही तो बात आता है भाई ये क्रू में सब सब है भाई सब सब है ठीक है, ये इसमें कोरियोग्राफर भी नाच रहे, ये इसमें स्टाइलिस्ट भी नाच रही, ये इसमें डायरेक्टर भी नाच रहे, बच्चा खाली कैमरामैन था नाचना नहीं, कैमरामैन को भी नाचा है वो गुस्सा वूसा के टाइम, कैमरामैन भी नाच, बच्चा कौन खाली नाचना मैं, बस चले तो मेरे को भी इधर से नचवा, तो मेरे हिसाब से ये चीज होना चाहिए था डांस फिल्म नहीं रख के, अगर इस वीडियो को हम आर्ट फिल्म बोलते जो सिनेमाटोग्राफी पर ज्यादा फोकस कर रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं लोकेशन को ये कर रहा है, नॉट टू फॉरगेट द म्यूजिक, म्यूजिक इतना हैवी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये म्यूजिक पे अगर मैं किसी भी डांसर को रख ये जंगल पे ये कॉस्ट्यूम पहना के और अगर मैं उज्जवल के हाथ में जो DOP है उसके हाथ में कैमरा दे दूं तो वो उस वीडियो को खड़े इंसान को भी उतने ही अच्छे से बताए क्योंकि उज्जवल बहुत स्किलफुल है, पूरे वीडियो में सब कुछ को ओवरपावर कर रहा है उज्जवल का स्किल, इसके लिए जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है शर्म आना चाहिए खुद को देखते हुए कि हमारे स्किल्स को कैमरा ओवरपावर कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक और एक एक मोमेंट है जहां पर सब लोग घास के अंदर से निकलते हैं,
उस पे भी इफेक्ट डालना पड़ रहा है अच्छा दिखाने के लिए, एडिट करके स्लो से फास्ट करना पड़ रहा है, मतलब फिर आंसर होने का फायदा क्या है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? मैं इसीलिए इसको बोल रहा हूँ, ये चीज को इस तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैं इसको एज अ व्यूअर देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि फेमस क्रू एज अ डांसर तो बहुत ही ज्यादा फेलियर है, वो मेरे टाइम से ही, हमारा कोरियोग्राफी सेंस कभी भी इतना टाइट नहीं था, हम लोग एज एन इंडिविजुअल बहुत ज्यादा टाइट होंगे बट एज अ क्रू कभी भी टाइट नहीं था, मैं कभी भी अपने कोरियोग्राफी से बैक इन द डेज खुश नहीं था। अभी भी जब भी मैं इनको वीडियो में देख रहा था तो मेरे लिए बहुत सैड था क्योंकि मैं उनको नहीं देख रहा था, मैं उनके जगह पर किसी और को इमेजिन कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हीं के जगह में वही कॉस्ट्यूम वही सारा चीज अपन देखे, अगर किंग्स यूनाइटेड को रखते, वर्ल्ड क्लास होता ये, वर्ल्ड क्लास। अभी ये वीडियो खाली आपस के 50 लोगों के ग्रुप में ही चलने वाला है क्योंकि ये वीडियो एक पोर्टफोलियो है उज्जवल के लिए, उसका कैमरा स्किल्स दिखाने के लिए। डायरेक्टर का बात करें अपन, मतलब डायरेक्टर मतलब स्टोरी टेलिंग इज नॉट डायरेक्टिंग। डायरेक्टर जब पृथ्वी था तो वो नाच कैसे रहा है? मेरे हिसाब से पृथ्वी एन एग्जाम्पल ऑफ वन मैन आर्मी, उसको ही कॉस्ट्यूम का पहनाने का, उसको ही लोकेशन बना, वो खुद सो के उसकी अपने ऊपर नाच के भी बताए, इतना स्किलफुल है, उसके हाथ में कैमरा। मेरे लिए सबसे बेस्ट पृथ्वी अगर किसी चीज का ऐड कर सकता ना, वो है GoPro 360 का, कमर में लगा के भगा उसको कहीं पर भी, सब कर लेगा। नादी निन्ना डायरेक्टर ये सबका टीम अगर तुम बोलते हो तो उसके लिए अलग अलग लोग को अलॉट करो, जो लोग करते या तो अभिषेक दास से सीखो कि हम खाली पीछे बन के हीरो बन के नाम लेके निकल जाएंगे, या तो अभिषेक दास को पृथ्वी की तरह। कोरियोग्राफर जब कोरियोग्राफर ही नहीं नाच रहे, अरे उसका तो कोरियोग्राफी है भाई, वो खुद ही उसका नाचने का हिम्मत नहीं हो रहा उसका खुद का कोरियोग्राफी, तो पृथ्वी कैसे ये कर सकता है, कैसे ये प्रोजेक्ट एट पार होगा, है कि नहीं? अभी अनुराग कश्यप नहीं ना, वो खाली कैमरे के पीछे रह सकता है, दो चीज नहीं कर सकता। बहुत अच्छा डांसर भी है क्या अनुराग कश्यप? नहीं कर सकता, वो डांस भी करेगा कैमरे में भी देखेगा कैसा आएगा। संजय लीला भंसाली नो डाउट वेरी अमेजिंग म्यूजिशियन, बट पृथ्वी है ना, वो संजय लीला भंसाली थोड़ी ना है। पृथ्वी अगर इतना ही अच्छा डायरेक्टर होता तो थोड़ी ना वो सारी चीजें अपना फ्रॉम द स्क्रैच चालू कर रहा होता है, कि नहीं है, कि नहीं? अभी आते हैं अपन कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट मेरे को कुछ खास समझा नहीं है भाई लोग, ऐसे देखा जाए तो मैं बहुत ट्राई किया, अभी अपना ड्रिंक खत्म करके मैं ट्राई किया, ड्रिंक पूरा खत्म होने तक रुका मैं, सोचा कि कॉन्सेप्ट होगा क्या। क्रिस्टोफर नोलन से भी ऊपर कॉन्सेप्ट बनाया है ना ये लोग ने। हम लोग लास्ट ट्रेलर की बात करते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी जाके देखा, लास्ट ट्रेलर पे उसमें लिखा था कि इंग्लिश में कुछ तो लिखा था, टाइम आने पे वॉर के टाइम पे तुम अपने खून के भी नहीं रहे, तुम्हारा अपना खून भी मैटर नहीं करता। अपना खून भी मैटर नहीं करता, मतलब मैं इसको एज एन ऑडियंस ऐसा देख कि कल को इनका वॉर होता है तो ये लोग सबसे पहले अपनी माँ का गला काटने जाएंगे, मतलब सेंस तो यही बनता है ना। उसको अगर अपन निकाल भी दे तो लास्ट में आया टाइगर, टाइगर के बच्चे सारे, कौन किसको खत्म कर, टाइगर ने लड़की को खाया, ये लोग भागे 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 नाचे भागे 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 नाचे भागे टाइगर को खत्म किया, तो कौन किसका खून, कौन किसका ब्लड, कौन किसका फैमिली, बताओ ना जरा। तो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया नहीं समझ के, जैसे इंटरस्टेलर मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम देख के नहीं समझा था, सेकंड टाइम भी देख के नहीं समझा था, थर्ड टाइम मेरे को प्रतीक से हेल्प लेना पड़ा समझने के लिए। तो वेरी काइंड रिक्वेस्ट, अगर किसी को भी समझा हो ये वीडियो तो प्लीज कॉमेंट में लिख के बताना कि है क्या, हो क्या रहा है, चलो मैं भाग किस ले रहे, टाइगर को क्यों मारा, क्योंकि लड़की को मारा तो ब्लड क्यों बुलाया, सेंस बनता है सब, किधर है सब। गाइस मेरा बैटरी खत्म हो गया था, जस्ट लाइक देयर डांसिंग जो 5 साल पहले खत्म हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं मेन क्रिटिसिज्म में। ठीक है, मेन क्रिटिक मेरा यही है कि एक कोई भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के पीछे है ना एक विजन हो, एक जन का थॉट प्रोसेस होता है, एक जन का ये होता है, सब लोग उसको कॉम्प्लीमेंट कर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास 3,500 लोग है और 3,500 लोगों का अलग विजन और नाचने वाले खाली 3 लोग, तो होता है, होएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू होएगा, फेस होएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को वीडियो समझ में ही नहीं आया एक्सेप्ट फॉर द सिनेमेटोग्राफी, जो बहुत ही ग्रैंड दिख रहा है, उज्जवल का स्किल्स आई विल से। डायरेक्शन भी कुछ नहीं है, क्या डायरेक्शन था, डायरेक्शन मतलब मेरे को बताओ ना क्या डायरेक्शन था, मेरे से गलती हुआ क्या? स्टोरी टेलिंग इज नॉट डायरेक्टिंग, बोलना कि जंगल से शेर आया ऐसा हाथ रख के इज नॉट डायरेक्टिंग, है कि नहीं? वो थॉट हुआ, अब उसको रियलिटी में किसने लाया, मिस्टर उज्जवल गुप्ता। मैं ये सब कुछ दे देता हूँ इनको, खाली उज्जवल को रिप्लेस कर दो और किसी और को डाल दो, नहीं होएगा ऐसा, वीडियो दिख ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि बाकी जितने भी वीडियोग्राफर्स हैं, डिस करने के लिए नहीं बोल रहा, वो लोग अभी भी ग्रो कर, उज्जवल इंडस्ट्री का वीडियोग्राफर है, ये लोग लकी हो गए कि इनके पास लिंक्स है, उज्जवल के साथ इनका कॉन्टैक्ट है, उज्जवल अभी भी इनको थोड़ा सा ग्रेटफुल मानता है क्योंकि उज्जवल बंदा अच्छा है, बहुत पहले ही वो क्रू छोड़ के निकल गए, इसके लिए उसके पास ग्रेटफुल करने का रीजन है, बट बहुत सारा सीक्रेट है उज्जवल के साथ मेरा, उज्जवल को जाके पूछो हमारा बैंगलोर का पैसा कौन कर
सर्च किया था, पूछो उसको जाके। राहुल को एक्सेस है, उसने बहुत बड़ा बड़ा कैमरा यूज किया, उसने बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, उसको पता है। उसके लिए पृथ्वी का बड़बड़ करना ऐसा है कि क्या बोल रहा पता नहीं, मैं अपने हिसाब से शूट कर लेता हूँ। तो उज्ज्वल का है पूरा गेम इसमें, ठीक है। बाकी आता है लोकेशन का, जंगल मिल गया उनको कॉलेज के एक जूनियर से। तो वही है लिंक्स। डांसर्स लोगों का क्या हो गया, तो मिलेगा कहाँ से, अपने को परमिशन कहाँ से मिलेगा शूट करने के लिए, हमको ऐसा वीडियोग्राफर कहाँ पर मिलेगा। इंडस्ट्री के वीडियोग्राफर्स के पास बहुत सारा एक्सेस होता है, कॉन्टैक्ट्स होता है, उनको कैमरा सस्ते में मिल जाता है, उनका फीस नहीं होता। समझ में आ रहा है, उज्ज्वल ने चार्ज नहीं किया, उसने खाली कैमरा रेंट करने का चार्ज किया रहेगा जितना मेरे को पता है। वही है, सब कुछ बहुत सस्ते में बन गया, इतना कुछ बड़ा प्रोडक्शन नहीं है। इसी के लिए पॉसिबल है, तुम्हारे पास खाली कॉन्टैक्ट्स होने का जरूरत है। मेरे को इतना बुरा इसके लिए लग रहा था क्योंकि मैं किसी भी क्रू को, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं किसी क्रू को वो चीज दे देता, ऐसा स्पॉन्सर करता। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी क्रू को स्पॉन्सर कर सकूं इस तरीके से, टैलेंटेड क्रू को। बट मैं मतलब ऐसा प्रे करता हूँ कि मैं बहुत पैसा कमाऊं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऐसा ही फ्रेंडली बजट में मैं कुछ ना कुछ डांसर्स के लिए करना चाहूंगा, जिन लोगों को भी क्रू का ऐसा शिट ये चीज प्लान नहीं किया था हमने। मेरे दिल से निकल रहा है ये चीज, मैं इतना बड़ा होना चाहता हूँ कि डांसर्स के लिए एक ऐसा बजट फ्रेंडली प्रोडक्शन हाउस खोलूं जहां पर तुम लोग को वीडियोग्राफर्स को पे नहीं करना पड़ेगा, उनको मैं पे करूंगा, मतलब वो सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम लोग को सस्ते से सस्ते में हाई प्रोडक्शन का ये मिले, ताकि तुम लोग को इतना मीडियोकर वर्क जो है वो इतना ग्रैंड ना लगे। समझ में आ रहा है, अभी मैंने जो भी चीज बोला है उस चीज को वापस से वीडियो उस फैक्टर से देखना, तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इतना ही करना चाहिए हमको आज के लिए, है ना। बट जाने से पहले मेरा पूरे मूवमेंट का पूरे चार मिनट में से जिस भी चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा एंटरटेन किया वो है ये वाला पार्ट। इसमें एक जन पुलअप्स मार रहा है, एक जन दंड पुशक मार रहा है, और ये तीसरा बंदा कलाई में छुरी किसने पकड़ाई। मैं तुम लोगों को बताता हूं, तुम लोगों ने सूर्यवंशम देखा है, उसमें हीरा जो है अमिताभ बच्चन, वो जब भी अपनी वाइफ को प्रपोज करता है तो नदी के बाजू में करता है, ठीक है। पहला डालता है लीफ में मंगलसूत्र, दूसरा डालता है बंगड़ी ऐसा जाए, तीसरा डालता है सिंदूर। पहले टाइम पे वो पहुंचता नहीं है, वो बह के निकल जाता है, वो पहुंचता है इस लड़के के हाथ में, वो वही पोत रहा है अपने हाथ में। तुम देखोगे अगर तो उसके नाइफ पे रेड कलर का ये लगा, कहां से आया, खून था। वाह वाह, खून नहीं सिर्फ सिंदूर हो सकता है तुम्हारे हाथ। मेरे हिसाब से वो जो स्टाइलिस्ट को जो ये करा है उसके बदले इसको करा देते, इसको खड़ा करते, वही कपड़ा पहना के इसको खड़ा करते, ये ज्यादा अच्छे से करता। चिटिया कलाई अब किसने छुरा पकड़ाया, मैं मर जाऊंगा। गाइस आई थिंक नहीं होना चाहिए। देखो वन लास्ट थिंग बिफोर आई लीव, जितने भी डांसर्स है, जितने भी टीम मेंबर्स है जो लोग का भी बैक हैंड पे वर्क है, मेरे को तुम लोग को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं तुम लोग को जानता नहीं हूँ, है कि नहीं। आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क कि तुम लोग ने कितना दिन डाला है, कितना मेहनत किया, कितना चोटे खाई है तुम लोग ने। इट इज वॉट इट इज, मैं मेरा ओपिनियन स्टेट कर रहा हूँ, है ना, नॉट दैट माई ओपिनियन मैटर्स। टुवर्ड्स द एंड इट इज वॉट इट इज, है कि नहीं। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू हेट मी, आई वॉन्ट यू गाइज टू लव मी फॉर माई ऑनेस्टी, है कि नहीं। This project could have been a lot better अगर सही चीज़ों के साथ सही association सब कुछ सही होता तो। No hard feelings between you and me, है कि नहीं। I'm talking about the dancers जिन लोगों को मैं नहीं जानता personally, the team members जिन लोगों को मैं नहीं जानता। I love you guys for your hard work। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इंशाल्लाह अपन साथ में काम करेंगे, जितने भी लोग बैक हैंड पे वर्क कर रहे हैं, जितने भी बाहर के डांसर्स हैं, हम लोग जितने भी काम इन फ्यूचर कभी ना कभी करेंगे, है कि नहीं। बट इट इज वॉट इट इज अगेन, ना आज के लिए इतना ही फन काफी है। मतलब वैसे मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारा चीज है, बट सिंस मेरे को ये ब्रांड अप्रूवल के लिए भेजना है तो मैं ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकता। और मैं समझ में आ रहा, मेरे को मतलब ये वीडियो ऐसा बहुत कम इसमें खत्म करने का था, बट आई एम श्योर कम इसमें खत्म होगा नहीं। बट जो भी है गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड, है कि नहीं। आई होप तुम लोगों को ये पसंद आया। मेरे हिसाब से वन लास्ट थिंग कि अगर इस फिल्म को आर्ट फिल्म बोलते हैं, इतना ज्यादा मैं नहीं बात करता इसके बारे में, मतलब चांस ये लोग ही देते हैं मेरे को बात करने का, है कि नहीं। बाकी और तो कुछ नहीं, तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को करने का लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और दुआ। अपन तुम लोगों को मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट टेक केयर, बाय, पीस। एक और बात तो बोलना भूल गया मैं, मेरे को पता नहीं है कैसे सब लोग ने मिस किया ये चीज। लास्ट में देखोगे तो लास्ट में जो वो है अपना राहत फतेह अली खान जो है वो लेके आया टाइगर, पूरे गाने में वो चिल्ला रहा है तो शेर आया तो कर देगा टुकड़े। शेर अपन एक बार गूगल पे चेक करते हैं।
मेरे को भी शेर मतलब लोयन लगा, टाइगर कब से हुआ? टाइगर तो हिंदी में बाघ होता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, इतना जंगल मुंगल में भागे, एक शेर का पूछ लेके आते यार, कितना टाइम लगता है। सोचो हिंदी में इनका ये हाल हो रहा है, कल को अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में करते मेरे को लगता है कि उट्टा लेके आते लोग साथ में, मका मका लटका के बोलते। वही तो सोचता हूँ, 3,500 की आवाम नाच रही थी, 3,500 की आवाम में से एक जन ने भी क्वेश्चन नहीं उठा कि सर अभिषेक दास एंड पृथ्वी अगर शायद से थोड़ा सा खुद करने के बदले अगर कैमरे के पीछे आके चीजें सिर्फ देखता, खुद से नोटिस करता, थोड़ा सा रिसर्च करता है कि नहीं, तो उसका ये जो विजन है वो उसके बाण फेंकने की तरह नीचे नहीं जाता ना। फ्रॉम द स्क्रैच यू हैव टू बिल्ड इट अगेन। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर ओपिनियंस को रिस्पेक्ट नहीं करते कोई।